नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई, दिन मंगलवार। आगे राजनीति जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। लालू परिवार की इस मामले में फिर से बढ़ी मुश्किलें। राज्यसभा के उपसभापति और सीएम नीतीश के बीच चली 2.5 घंटे तक बैठक। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश से तेजस्वी को बर्खास्त करने की मांग। संतोष मांझी ने दावा करते हुए कहा कि बिहार में राजद करेगी खेला। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर लगाए जनता को ठगने के आरोप। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर लगाए जनता को ठगने के आरोप। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू के तरफ से बयान सामने आया है। दरअसल चुनाव की तैयारी कर रही जदयू पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा द्वारा एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा गया कि हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि लोकसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की जीत सभी 40 सीटों पर सुनिश्चित हो। सीएम नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और उनके विकास कार्यों की व्याख्या शब्दों से पड़े है। उनके विषय में कितनी भी व्यापक चर्चा छुरे को दीप दिखाने के समान है। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार ने बीते 9 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को ठगने और छलने का काम किया है। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर मायावती की बसपा पार्टी की तरफ से हुआ यह ऐलान। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर मायावती की बसपा पार्टी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल बसपा की तरफ से कहा गया कि आने वाले चुनाव में वह बिहार की सभी सीटों से चुनाव लड़ेगी, साथ ही शानदार जीत हासिल भी करेगी। बता दें कि ऐलान बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की तरफ से किया गया। वहीं तेजस्वी पर सीबीआई द्वारा दायर हुई चार्जशीट को लेकर उन्होंने कहा है कि बिहार में चुनाव से पहले ऐसे खेल होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत बरकरार, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला पटना के सिविल कोर्ट स्थित MP MLA कोर्ट में दर्ज करवाया था। इस मामले को लेकर पटना के हाई कोर्ट सुनवाई हुई। यह सुनवाई राहुल गांधी के उस याचिका पर हुई जहां उन्होंने पटना के MP MLA कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। बता दें कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को दी गई राहत को बरकरार रखा है। मालूम हो कि राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा सशरीर कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट में गुहार लगाई थी। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई आने वाले 16 अगस्त को की जाएगी। लालू परिवार के इस मामले में फिर से बढ़ी मुश्किलें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बढ़ती ही जा रही। दरअसल लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के खिलाफ CBI द्वारा चार्जशीट दायर कर दी गई है। मेरी जानकारी यह दूसरी चार्जशीट है जो दायर की गई है, जहां लालू यादव के साथ साथ कई बिचौलिये सहित 17 लोगों के खिलाफ आरोप तय बताए गए हैं। हालांकि सुनवाई की कोई तारीख दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर किए गए इस आरोप पत्र पर तय नहीं हुई है। फिलहाल 12 जुलाई को सुनवाई के लिए यह मामला लिस्टेड है। केसी त्यागी ने बीजेपी को बिहार में दी चुनौती। अभी हाल में ही महाराष्ट्र में NCP पार्टी का साथ छोड़ अजीत पवार ने बीजेपी का दामन थामा है और उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया है। अब चल रहे इन्हीं मामलों को देखते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बीजेपी को चुनौती दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि इस तरह की नापाक और डकैती जैसी घटनाएं वह बिहार में करके दिखाएं। बिहार का महागठबंधन जदयू, नीतीश कुमार और तेजस्वी के नेतृत्व में संगठित है, ऐसा कोई भी दुष्प्रयास वहां सफल नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ देश की जितनी सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं वो नीतीश कुमार की तरफ देखती हैं, इसलिए जनता दल में कोई टूट फूट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश से तेजस्वी को बर्खास्त करने की मांग। लालू परिवार समेत बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ CBI द्वारा चार्जशीट दायर हुई है। बता दें कि यह चार्जशीट जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में है। भ्रष्टाचार के यह मामला सामने आने के बाद भाजपा के तरफ से प्रक्रिया सामने आई है। दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बिना कोई देर किए बर्खास्त करने की मांग नीतीश कुमार से की है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री पर CBI ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि मैं नीतीश जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब लालू यादव पर चारा घोटाला मामले में चार्जशीट फाइल हुई थी, उस समय नीतीश की पार्टी ने लालू को बर्खास्त करने की मांग की थी। आगे उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे, तो जब भ्रष्टाचार के मामले में आपके सहयोगी चार्जशीटेड हो गए हैं तो आप उन्हें संरक्षण देंगे या अविलंब बर्खास्त करेंगे। बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने को लेकर किया यह दावा। बिहार में चल रही मौजूदा सरकार को लेकर बिहार भाजपा के नेता अजय आलोक ने बड़ा दावा किया है। दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। आगे उन्होंने कहा कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में 13 जुलाई को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट के सामने पेश होना है। इस दौरान CBI तीनों नेताओं की कस्टडी मांगेगी। अगर कोर्ट CBI की मांग मान लेती है तो फिर नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। सीएम नीतीश कुमार के जीवनी के लोकार्पण पर लालू यादव ने कही ये बात। नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से किताबों जो कि
नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित है। उसका लोकार्पण लालू यादव द्वारा सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषनी अलील मौजूद दिखे। इस जीवनी के लेखक उदय कांत है, उन्होंने यह घोषणा करते हुए कहा कि इस पुस्तक की बिक्री से मिलने वाले रॉयल्टी की राशि विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दी जाएगी। लालू यादव ने इस कार्यक्रम के दौरान जीवनी का लोकार्पण करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिल्कुल साधारण घर से निकले हुए व्यक्ति हैं। वे जब केंद्र में मंत्री बने तो उन्होंने मंडल कमीशन को लागू कराने और पिछड़े दलित लोगों के उत्थान का काम किया। संतोष मांझी ने दावा करते हुए कहा कि बिहार में राजद करेगी खेला। शिक्षक अभ्यर्थी मामले में बिहार के छात्रों को समर्थन करते हुए हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने कहा कि बिहार के उपमुख्यमंत्री ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन राज्य में जिस तरह का बदलाव किया जा रहा है वह यहाँ के युवाओं के लिए गलत है। बिहार के लोग बिहार में आकर शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में फॉर्म भरेंगे और बिहार के युवाओं को उचित मौका नहीं मिल पाएगा। बिहार सरकार बहाली करना ही नहीं चाहती है, यह सब बस दिखावा कर रही है, इसलिए सरकार ने इस तरह का बदलाव किया है। आगे उन्होंने दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ कुछ कैसे ही राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार में कर रही है। राज्य में 5 से 10 दिनों में खेला होगा और यह खेला राजद करेगा। तेजस्वी यादव 10 दिन में मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए वह अपने सभी विधायकों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। राजद नेता ने बीजेपी को लेकर कह दी यह बात। तेजस्वी यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर सीबीआई द्वारा दायर किए गए चार्जशीट वाले मामले को लेकर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवरंजन तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि चार्जशीट में उनका नाम आएगा। अभी जिस तरह का माहौल है और भाजपा जैसी राजनीति कर रही है उसमें यही होना था, लेकिन हमारी राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी उसके लिए हम तैयार हैं। राज्यसभा के उपसभापति और सीएम नीतीश के बीच चली 2.5 घंटे तक बैठक। चल रहे इस सियासी हलचल के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मालूम हो कि हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति बिहार कोटे से ही हैं। सीएम नीतीश और हरिवंश के बीच यह बैठक लगभग 1.5 घंटे तक हुई, लेकिन यह मुलाकात किस मुद्दे को लेकर हुई थी इसे लेकर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सियासी गलियारों में इस मुलाकात की कई अटकलें लगाई जा रही हैं। शिक्षा मंत्री के बयान को बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने बताया गलत। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव कर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दे दी थी, जिसे लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। इसे लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि बिहार में साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी के लिए योग्य छात्र नहीं है, इसलिए इस नियमावली में थोड़े बदलाव किए गए हैं ताकि बिहार में बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आएं। इसे लेकर शिक्षा मंत्री की काफी आलोचना भी हुई। अब इसे लेकर बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री की बातों को गलत करार दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वे ऐसा नहीं मानते कि बिहार में योग्य छात्र नहीं है। बिहार के हर स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज में साइंस और मैथ की पढ़ाई है। बिहार के युवा साइंस और मैथ में देश में अग्रणी है। IIT, NIT और मेडिकल की परीक्षा में उच्च रैंक लाते हैं। बड़ी संख्या में बिहार के छात्र साइंस और मैथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर और सिविल सर्वेंट बनते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि बिहार में मैथ, साइंस के जानकार अभ्यर्थियों की कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहाबुद्दीन की पत्नी के लोजपा में शामिल होने की चल रही अटकलें। अभी बीते ही दिनों सिवान जिला के गांधी मैदान में चिराग पासवान ने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत किया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब और बेटे उशामा साहब से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस मुलाकात के बाद यह चर्चा तेज हो चुकी है कि हीना साहब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इससे पहले भी हीना सिवान से 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उन्हें किसी तरह की सफलता नहीं मिली, जिस वजह से उन्होंने राजद पार्टी से दूरी बना ली। हालांकि चिराग पासवान से मुलाकात के बाद यह अटकल तेज है कि अब हीना साहब चिराग की पार्टी के साथ आ सकती है। अजीत पवार के खेमे में लगी सेंध। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में अभी काफी उठापटक का दौर देखने को मिला। अभी बीते ही दिनों अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण लिया। अभी इस शपथ को 24 घंटे भी नहीं हुए कि अजीत पवार के खेमे में सेंध लगने की खबर सामने आने लगी। दरअसल NCP सांसद अमोल कोल्हे ने अपना पाला बदलते हुए कहा कि वह शरद पवार के साथ है। बता दें कि अमोल कोल्हे अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी नजर आए थे, लेकिन अब जब वे पीछे हट गए तो वह अजीत पवार के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को लेकर किया यह दावा। महाराष्ट्र में खेला होने के बाद बिहार और यूपी में भी खेला होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों द्वारा यह दावा किया गया है कि RLD प्रमुख जयंत चौधरी को बीजेपी से बात बन गई है। इन सब मामलों को लेकर अब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ED और CBI का डर दिखाकर क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है। जयंत चौधरी से मेरी बात हुई है, वो बीजेपी को साथ नहीं जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि पहले बिहार में मांझी को तोड़ दिया, अब NCP में तोड़ फोड़ कर दी। विपक्षी नेताओं के तरफ से एकजुटता दिखाई जा रही है, उससे बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए यह तोड़ फोड़ की जा रही है। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, विजय सहनी, मोहम्मद सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई नई नियमावली पर आपके क्या विचार हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।